लॉयड्स बैंक जाना है अकाउंट ओपनिंग कराने, और स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट ईमेल आईडी होती है यूनिवर्सिटी, वो भी लेनी है सारी चीज़ एक्सेस करने की। तो ये मेरी एकोमोडेशन है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। Push to exit. It's really beautiful. यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे जैसे बी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ई ब्लॉक है। फिर अकोमोडेशन से जो यूनिवर्सिटी का सिटी मतलब सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है अकोमोडेशन। और सामने ये यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉक, ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। अभी मेरे को प्रायोरिटी बिल्डिंग जाना है फॉर कलेक्टिंग माई स्टूडेंट आई डी। तो इधर कैथेड्रल से आगे जाके है प्रायरी हॉल, जहाँ पे स्टूडेंट आई डी कार्ड वगैरह मिलेगा। स्टूडेंट आई डी कार्ड मिल चुका है, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। ये रिकॉर्ड उसी समय बस फ़ोटो खींचते हैं, डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और दे देते हैं टू एंड। प्रायरी हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे है, कुछ इशू नहीं आएगा, वहाँ पे डायरेक्शंस लगे हुए हैं। ये पीछे यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको जाके एक्टिवेट करना है हमें। स्टूडेंट हब पे जाके वहाँ पे एक्टिवेशन के लिए लगे होते हैं, तो वहाँ टैप करके होएगा। ये सामने है स्टूडेंट हब, ये एंटर करते ही लेफ़्ट हैंड पे ही लगा हुआ है, पोस्टा है वहाँ पे, उसके बगल में लगा हुआ है, यहाँ पे कार्ड एक्टिवेट करना है। सारा काम हो गया है, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। 2 बजे का लेक्चर है, फर्स्ट डे पहला लेक्चर। और वैसे तो क्लासेस 16 से स्टार्ट हो गई थी, बट मैं आज आ रहा हूँ, हवा बहुत चल रही है आज। तो ये है हमारी इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, और इधर सामने एंट्री है। I'm going to implement something a bit more. तो क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और मैं पहुंच चुका हूं वापस अपने अकोमोडेशन पे। बस अब जाके चेंज वेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। क्या हुआ? I think, bro, I really had a very bad day today. Why? What's happened? You know about the student ID, we have to get it and activate it. Yeah. So I went to the student, like I got my student ID at time, then I activated it on the Phoenix Point at the hub. Alright. Yeah. So I didn't knew that we had like buildings over here for the classes. Oh, there's so many buildings. Yeah. So I went to some wrong building, and then I realized I'm in the wrong class, and then like I really had to rush and rush to the other building, and I was like 20 minutes late for the lecture. And after that, like I went to the Coventry Market. Like it's really good for the groceries, and they're really cheap over there. Okay. Yeah, and I got like chicken for like a really cheap price. Really? Yeah, it's good. You should try. Yeah, you need to take me there. Yeah, good weather maybe. Maybe we can make a video out of there, or sure, like, why not? Post it on the blog. Why not, man? We have to. So what are you going to do now? Maybe I'll prepare the dinner. I bought chicken. I told you, right? Yeah. So you're going to cook the chicken now? I marinated in the when I came back from classes, I marinated, kept it in the freezer. Oh, that looks delicious, man. That's tasty. You wanna take a bath? Yeah. Okay, let's prep it then. फ़िलहाल अब बनाते हैं डिनर में चिकन है जो मैरिनेट कर रखा है मैंने पहले से, और ये है हमारे हरमन ब्रो जो कि अब व्लॉगिंग कर रहा है। Let me record you, man. You wanna vlog something? You wanna say something? Not really. I'm shy. Oh. This guy is really nice, and we are going to the gym regularly from 2 days, right? Yeah. You can see. You can blind. Yeah. गाइज एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे आओगे, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन पे यहाँ पे किसी भी अकोमोडेशन में रह रहे हो, तो अपने रूममेट्स के साथ खास तौर पे एक बार मतलब यू नीड टू आके बात करना ज़रूरी है। तो उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, पता करना कहाँ से है वो। ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री से है तो उससे बात ही ना करें। हरमन मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया और हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी निकाल रहे हैं साथ में और शूट भी कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि आप लोग आए अपने रूम में घुसे हुए हो, होम सिकनेस भी नहीं फील होगी। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स लाइक यू वोंट फील होम सिक ब्रो, इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। और अकेले आ रहे हो तो भी आपको होम सिक फील नहीं कर रहा है। अपने फ्लैटमेट्स के साथ बात वगैरह करो, उनके साथ घूमने जाओ और एक्सप्लोर करो यार। मतलब इट्स रियली गुड प्लेस। यहाँ पे एक जब पहले पहले आते हैं तो एक्सप्लोर करना ही होता है, तो एक्सप्लोर करो, लाइब्रेरी जाओ। अपने आप को रूम में मत बंद करना। बस यहाँ पे आके ये नहीं है कि यार रूम में आके बैठ गए और फिर होम सिक फील कर रहे हो। तो रूम में मत बैठना, बाहर निकलना, सोशलाइज होना पीपल के साथ, लोगों के साथ थोड़ा। और तभी स्टार्टिंग का तो जो होता है ना वही थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसके बाद तो निकल जाता है आराम से निकल जाता है। और प्रोसेस का ये नहीं करना कि यहाँ पे आके क्या करना है, उसके रिलेटेड मैं सारी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ तो ऐसी कोई वो नहीं होगी। सारी वीडियोस चेकआउट करना। अब मेरे को स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है वो मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो जो प्रोसेस होगा, मेरे को NI नंबर के लिए अप्लाई करना है और बैंक अकाउंट खोलना है। जो भी चीज़ें होंगी मैं वीडियोज़ के थ्रू बताते रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी लेट भी हो गया है, डिनर भी बन गया है, अब डिनर खाते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करना इस चैनल को। Don't forget to like, subscribe and share the channel to your friends guys. Come on. Yes, come on guys. So, or don't forget to follow us on Instagram. मेरा और हरमन का मैं Instagram मेंशन कर दूंगा, तो हमें वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप Instagram के थ्रू मैसेज कर सकते हो। मैं नहीं तो ये कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, जो यूके आ रहे हैं, स्पेशली जो कमेंट्री आ रहा है वो तो जरूरी है वीडियो देखना। टिल देन बाय बाय गाइस, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।